हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां पर मेगा ऑक्शन में कुछ आईपीएल टीमें तो ऐसी हैं जो कि काफ़ी हद तक सॉर्टेड नज़र आ रही हैं और उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कौन से प्लेयर्स को उन्हें टारगेट करना है। लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनको ना सिर्फ अपने प्लेयर्स को पिक करना है बल्कि अपने कैप्टन को ढूंढने के लिए भी इनको इस मेगा ऑक्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि चार टीमें अपने कैप्टन ढूंढने वाली हैं, इनके कैप्टनसी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंजाब किंग्स की टीम के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स की टीम की बात की जाए तो केएल राहुल इनके टीम से जा चुके हैं और पीबीकेएस की टीम ने सिर्फ दो ही प्लेयर्स को रिटेन किया है, यानी कि मयंक अग्रवाल और उनके साथी अर्शदीप को रिटेन किया गया है, जहां पर पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं कि मयंक अग्रवाल, जिनको इन्होंने इतने ज्यादा पैसों में रिटेन किया है, वो इनके कैप्टन नहीं होने वाले, यानी कि इनको मेगा ऑक्शन में एक नए कैप्टन की जरूरत है। और ऐसे में अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो वो बहुत ही लिमिटेड हैं। मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कैप्टन्स को अगर आप देखोगे तो कैप्टन्स की लिस्ट हमें काफी कम नजर आती है। ऐसे में अगर पंजाब किंग्स की टीम की बात की जाए तो इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इनके लिए हो सकते हैं वो हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर इनकी टीम में नहीं आते हैं तो इनकी दिक्कतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। केएल राहुल की जगह पर इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि इंडियन हो, जिसकी फेस वैल्यू अच्छी हो और जिसको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस हो, और ऐसा एक ही प्लेयर मेगा ऑक्शन में मौजूद है। तो पंजाब किंग्स की टीम को कुछ भी करके, थोड़े से ज्यादा पैसे लगाकर भी अगर श्रेयस अय्यर को लेना पड़े तो ये जरूर उनके पीछे बहुत बड़ी बिडिंग करेंगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, तो इनके बारे में तो हमने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि रविंद्र जडेजा को इनके आगे की कैप्टनसी सौंपी जानी है, लेकिन वो कब होगा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क था, जिसको सीएसके के सीईओ ने खुद ही क्लियर आउट कर दिया है, जहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी ही आप पूरे आईपीएल 2022 में आपको सीएसके की कैप्टनसी करते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इनके स्टेटमेंट पर बिलीव मत करो, क्योंकि एमएसटी ज्यादातर चीजों को सीक्रेट रखना चाहते हैं। ऐसे में अगर उनका प्लान है भी कि करीब 5-6 मैचेस के बाद वो जडेजा को कैप्टनसी दे देंगे तो ऐसा हो भी सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इनकी बात पर बिलीव ना करो और हमें आईपीएल का वेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, तो इनकी सिचुएशन थोड़ी सी मेरे हिसाब से बेटर है अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की टीम से, क्योंकि आरसीबी की टीम में ऑलरेडी ग्लेन मैक्सवेल मौजूद है, जो कि बीबीएल में मेलबर्न स्टार्स की कैप्टनसी करते हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल को ये टीम जरूर कैप्टनसी ऑप्शन के तौर पर कंसिडर कर सकती है, जो कि ऑलरेडी इनकी टीम में है और ऑलरेडी आरसीबी के एनवायरमेंट को वो अच्छे से समझते हैं। अगर वो नहीं तो विराट कोहली से भी ये टीम लगातार ट्राई कर रही है कि उनको वापस कैप्टन के तौर पर लाया जाए। खुद आरसीबी के चेयरमैन और उसके साथ ही क्रिकेटिंग ऑपरेशंस के हेड माइक हसन ने इस बात को कंफर्म किया था कि विराट कोहली को वो लगातार कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं कि आप वापस से टीम की कैप्टनसी संभाल लो। अब विराट कोहली मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ग्लेन मैक्सवेल इनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर वो भी नहीं तो फिर इनको डेविड वार्नर की तरफ रुख करना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है एज अ कैप्टन ना खेलना चाहे। आगे बढ़ने का इस और बात करते हैं इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, तो केकेआर की टीम की बात की जाए तो इस टीम को भी काफी सारे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, जिसमें से इनकी प्रायोरिटी भी श्रेयस अय्यर ही है, क्योंकि ये मेगा ऑप्शन से पहले से ही अय्यर के कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं और ये उनको अपनी टीम का कैप्टन बनाना चाहते हैं। लेकिन अय्यर के पीछे सारी टीमें जाने वाली हैं, जिसकी वजह से श्योर नहीं है कि क्या ये उनको हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर श्रेयस अय्यर नहीं तो फिर इनको बाकी के ऑप्शंस जैसे कि स्टीव स्मिथ या फिर इवन जो इनके पुराने कैप्टन थे ऑयन मॉर्गन, उनकी तरफ भी रुख करना पड़ सकता है। अब गाइज, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारी टीमें हैं जिनको कैप्टन चाहिए, खासकर पंजाब किंग्स, आरसीबी और केकेआर, इनके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। तो मेरी एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग है कि इनमें से एक टीम बहुत बुरी तरीके से सफर करने वाली है, यानी कि उस टीम को अच्छा कैप्टन नहीं मिल पाएगा और फिर मजबूरी में उन्हें किसी ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना पड़ेगा जिसको नहीं चाहते थे, और जो बाकी की दो टीमें हैं जिनको अच्छे कैप्टन मिलेंगे उनको बहुत ही बड़ी बिडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी ऐसी टीम है जो कि किसी अच्छे प्लेयर को कैप्टन बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेगा ऑक्शन में या फिर किसी भी तरीके के ऑक्शन में कभी भी आप अपने कैप्टन को ढूंढने के लिए मत जाओ, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी टीम थोड़ी सी अनस्टेबल है। जिन टीमों के पास कैप्टन है उनको ये सब दिमाग अपना खराब करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉब्लम तो इन टीमों को होगी। इंटरेस्टिंग भी होगा देखना किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।